my YouTube family and very very sporty viewers, assalamu alaikum. Welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी फॉर फन. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. भारत में इंसानी हकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक बहुत ही अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है, और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है. ये तो एक साजिश के तहत ये बड़ी चालाकी के साथ काम किया जा रहा है. कहते हैं ना कि जज को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है. 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है. इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लेंगे फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही है. ठीक है, आप भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है. यकीनन ये अमेरिका ने हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा, और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ. और जाहिर सी बात है, जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, UN के बंदे भी यहाँ पे, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई. नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है. भाई फॉर गॉड से, होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई है, हैज इट बीन फ्रूटफुल. और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, 500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए. हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे. तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो. यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि UN के जो रिपोर्ट में अब तक पाकिस्तानी और उनके समर्थित लोगों के प्रोपेगेंडे के आधार पे कि कश्मीर के अंदर औरतों और बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उस रिपोर्ट में इंडिया का नाम था. लेकिन अब भारत सरकार के अथक प्रयासों और सबूत देने के साथ साथ डिफरेंट मीडिया के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अभी रिसेंटली G20 के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया और डेलीगेट्स गए थे जम्मू कश्मीर, उन्होंने कश्मीर की सच्चाइयां देखी, जिसके बाद 12 साल बाद भारत का नाम UN की उस रिपोर्ट से हटा दिया गया है, जो कि भारत के लिए अच्छी तो खबर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि पाकिस्तान का भी नाम अभी भी उस UN रिपोर्ट में है, जो कि पाकिस्तान खुद अपने ही देश के अंदर अपने ही नागरिकों पे, खास तौर से जो POK के निवासी हैं, उनके ऊपर जो जुल्म करता है उसके रूप में. तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को. साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें. अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है, और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है, जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर. लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है. तो क्या राय रखते हैं, सबसे पहले सर आपसे जानेंगे. देखिए, इसमें तो कोई अब शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ घुसपैठिए भेजे JKLF की शक्ल में, उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया, और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहां पे मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहां बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी. और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे, उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, 500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए. इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था. और इस हवाले से पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में. और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी. तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है. जुलूस और मुजाहरे और ये सारा कुछ भी खत्म हो गया. जो स्लीपर सेल थे वो भी 90% स्लीपर सेल तो बर्स्ट हो चुके हैं. तो उसकी रोशनी में फिर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है. तो उन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन के चिल्ड्रन की ऊपर जो असरात होते हैं
उससे उसको इंडिया को खारिज कर दिया। जी आयका, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया बट स्टिल पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट? देखिए, आप भी जानते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान इंडिया के मसलों में उनको मुदाखलत करने की एक चुल मची हुई होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सच, यू नो, सच को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है, सच हमेशा सच ही होता है, सच कभी नहीं छुपता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा उसी फरेब और उसी धोखे की वजह से है, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। और आज के आप भी जानते हैं नए कश्मीर में क्या है, नए कश्मीर में किसका जो प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए आती है, जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा, तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई। कश्मीर की बर्बादी चाहना जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत पुराना माइंड सेटअप है। तो इस चीज को जो है दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, यूएन के बंदे भी यहाँ पे जो ही G20 की यूरो मीटिंग्स हो रही थी तो यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, यूनाइटेड नेशंस के कुछ बंदे भी आए थे, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कश्मीर पे जाके खुद भी देखा और इंडिया ने भी जितने प्रूफ उनको दिखाने थे, इंडिया ने भी जितने क्लूज उनको दिखाने थे, तो जाहिर सी बात है अब जो सच होगा यूनाइटेड नेशंस तो वही देखेगा ना, तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। और पाकिस्तान की रही बात, इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज, मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था तो मैं कश्मीर घूमने गया, कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंकर था वो J&K बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है, तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है। जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूं जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे इतना अमन है, फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहां पे पहले जाना भी मुश्किल था, इवन जो वहां पे खेत हैं जो यहाँ पे फार्मर्स हैं क्योंकि एप्पल का सीजन था, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। क्या होता है जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना, अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था, नीचे जो लोग हैं अमन से रहे। तो ये थी वीडियो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, फनी और इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाइक करना जरूर कीजिएगा, इसके साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआओं में तो आप लोग शामिल ही हैं। तो अल्लाह हाफिज़।